दोस्तों ये 11 नंबर के टैप है, 7 mm। ये कहाँ यूज होता है, कोई 10 नंबर का बोल्ट स्लिप हो गया ना तो आप उसे टैप करके बढ़ा सकते होल को और 11 नंबर कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टैप है, इसका साइज है 7 mm है, 7x1 इसका साइज है। ये तीनों, पहले ये चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये चढ़ाया जाता है, फिर ये चढ़ाया जाता है, तीनों। आप एक तो भी यूज कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं तीनों चढ़ाना, इसे भी आप फुल चढ़ा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। 10 नंबर का मतलब कि ये एक्चुअली यूज तो होता है चैन कवर में, जो 10 नंबर का जो स्लिप हो जाता है ना उसमें यूज होता है, लेकिन आप इसे साइन का हेड का जो बोल्ट है, जो टॉप कवर का जो बोल्ट होता है ना, उस वो अगर स्लिप हो जाए तो आप 11 नंबर का बड़ा बोल्ट निकाल कर आप डाल सकते हो। 11 नंबर बोल्ट निकालना, 11 नंबर का बोल्ट में वाशर देके आप उसे टाइट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी जगह जहां 10 नंबर का बोल्ट स्लिप है और आप इसे इस टैप को चढ़ाकर आप 11 नंबर चढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं कार्बेटर, हम लोग यूज करते हैं चैन कवर वगैरह में, तो हम लोग ओवर साइज डालते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड साइज हो गया और ये हो गया ओवर साइज। ये ओवर साइज है और ये स्टैंडर्ड साइज, ये लगा हुआ रहता है पहले से, और जब हम इसे ओवर करते हैं, इससे जब हम इस टैप को चढ़ाते हैं ओवर करते हैं तो हम ये 11 नंबर चढ़ाते हैं। देख रहे हैं, दोनों छोटा बड़ा है, सॉरी पतला मोटा है दोनों, है ना। तो ये सब चीज़ें रखने से क्या होता है ना कि मैकेनिकल लाइन में ये सब चीज़ें रखने से बहुत आसानी पड़ती है काम करने में, नहीं तो छोटी छोटी बातों के लिए आप लेत दुकान जाओ। जिनका अगल बगल में है तो उनको तो चलेगा, लेकिन जिनका दूर में है वो क्या करेंगे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है जिनका दूर में है। तो आप ये सब, ये सारी चीज़ें रख सकते हो अपने दुकान पे, ये हो गया। उसके बाद में फिर ऑयल ड्रेन बोल्ट का ओवर साइज करने का बोल्ट भी रखो और ये टैप भी रखो, वो हो गया। तो बहुत जगहों पर ये उपलब्ध नहीं हो पाता है और बहुत जगहों पर उपलब्ध है, अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये सब चीज़ रखो, ज़्यादा कॉस्ट दाम नहीं है इसका। और इसके साथ ये हैंडल भी चाहिए जो कि इसमें आप लगा कर इसे यूज कर सकते हो, इसमें लगा कर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें लगा कर यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपका 7 नंबर का रेंज लग जाएगा, 7 नंबर का, और 7 नंबर रेंज लगा कर आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन ये हैंडल है ना, इससे आपको आसानी पड़ेगी करने में। ये लगा कर बस चढ़ा देना है, टैप बन गया, 11 नंबर का थ्रेड बन गया। आसान है बड़ा, ऐसा नहीं कि मुश्किल भी है, बड़ा आसान है, इसे चढ़ाना बड़ा आसान है। मैं तो एक सिंगल ही यूज करता हूँ और ये 2 स्टेपनी में रखा हुआ, अगर ये टूटेगा मेरा तो ये दोनों जाएगा। लेकिन नियम अनुसार कहा जाता है ना कि पहले आप इसे चढ़ाओ, फिर इसे लास्ट में, ये फाइन वाला है, ये स्टैंडर्ड है, स्टार्टिंग का ये है, उसके बाद का ये फ्रेश करने के लिए, और ये पूरा फाइनल। लेकिन स्टार्टिंग वाला ही हम लोग यूज़ करते हैं तो वो काम हो जाता है हमारा, ये कहीं रुकता नहीं है, डायरेक्ट पूरा कम्प्लीट चढ़ा देते हैं तो ये चढ़ जाता है। और ये अलग अलग आता है, और जैसे कि हम हेड का टॉप कवर का जो बोल्ट होता है वो 10 नंबर वो स्लिप हो जाता है, तो बहुत लोग उसमें पैकिंग डाल देते हैं। बहुत भाई लोग क्या करते हैं कि अगर उनका लेथ मशीन सामने तो ओवर साइज करवा के फिर उसमें सॉकेट डालवा कर 10 नंबर फिर से टैप करवा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि 11 नंबर का टैप मार दिए, उसमें 11 नंबर टैप मारने के बाद इसमें एक वाशर डाल देते हैं, 11 नंबर का बड़ा वाशर, स्टेपनी वाशर जो बोलते हैं, बड़ा वाशर, वाशर निकालना एक बड़ा वाला, बड़ा वाला वाशर मार, छोड़ दो यहाँ पे है, ये बड़ा वाला वाशर मार देते हैं हम लोग, ये इसमें चढ़ जाता है, और चढ़ने के बाद इसे हम टाइट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं तो ये टाइट हो जाता है, ये काम करने लगता है अच्छा तरीके से। तो हमें जब गाड़ी खड़ी है ना और फिटिंग करने टाइम एक आध स्लिप निकल गया, तो उस टाइम आप क्या करोगे बताओ, पूरा खोल के आपको ले जाना पड़ेगा होल्डर, जो कैमशाफ्ट का होल्डर होता है वो पूरा खोल के ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वही अलग से पत्ती वगैरह कुछ डाल के आपको सेट करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ये जुगाड़ है, ये जुगाड़ है तो आप आसानी से कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेन कवर का हो गया ये या इस तरह का हो गया, आप किसी भी जगह पे ओवर साइज करके आप ये बोल्ट का यूज कर सकते हो, बड़ा आसान है करना। तो भाई अगर आप मैकेनिक हो तो आपको ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए, बहुत सारे टूल्स है जो कि जनरली बहुत लोग नहीं रखते हैं, लेकिन
वो रखने से क्या होता है ना कि आपका काम आसान होगा, आपको छोटी छोटी बातों पे दूसरी जगह जाने नहीं जाना पड़ेगा, छोटा छोटा काम पड़ेगा तो दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये टैब को यूज़ कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप बिजनेस से टोटल भी जो भी डील होता है व्हाट्सएप बिजनेस से डील होता है, कोई ऐप वगैरह नहीं है। आपको ये स्पीड पोस्ट से, पार्सल से, इंडिया पोस्ट से जाता है, कोई कुरियर वगैरह नहीं से जाता है, इंडिया पोस्ट से जाता है। जब भी ये जाता है इंडिया पोस्ट से जाता है। इसे बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। ये अलग है, ये अलग है।